नमस्ते एवरीवन, मैं अनस जावेद एंड इस वीडियो में आप लोगों के साथ 6 इंची की बेंच ग्राइंडर मशीन की डिटेल शेयर करूंगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर बात करता हूं इस मशीन के बॉडी के बारे में, हमें यहां पे कास्टिंग की बॉडी मिलती है। कास्टिंग की बॉडी के साथ यहां पर हमें हाफ HP का मोटर मिलता है जो 2800 RPM की हमें स्पीड देता है। और यहां नीचे पार्ट्स में बात करें, ऑन ऑफ स्विच मिलता है जिससे हम अपनी मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें बेस प्लेट मिलती है, जिस बेस प्लेट में हमें 4 होल्स दिए होते हैं जिसको हम अपनी बेंच पर कहीं पर भी इसको इजीली सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें 2 व्हील मिलते हैं, पहला हमें MS और SS मेटल के नहीं मिलता है। दूसरा जो व्हील मिलता है वो हमें हाई स्पीड के जो टूल्स रहते हैं, हाई स्पीड के टूल्स को ग्राइंड करने के नहीं मिलता है। और यहाँ पर हमें ये 2 टूल रेस्ट पोस्ट मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने टूल को ग्राइंड करते टाइम पर उसके अकॉर्डिंग इसमें एंगल जो भी होता है हम उस एंगल को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये स्क्रू में होता है जिसकी वजह से हम इसको किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर हमें दोनों साइडों में सेफ्टी कवर्स मिलते हैं। इन सेफ्टी कवर्स का वर्क क्या होता है, ये बेसिकली हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और इन सेफ्टी कवर्स को हम यहाँ पर जो स्क्रू हैं, जो बोल्ट है, हम उसके हटाकर इसे यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। और हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी सेफ्टी कवर मिलता है, जैसे अभी मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया। और यहाँ पर सेफ्टी कवर के साथ जो हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर व्हील मिलता है, ये बेसिकली स्पेशल होता है हाई स्पीड वाले टूल्स को, लैथ मशीन के टूल्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए। और इस ग्राइंडर के साथ साथ हमें यहाँ पर स्पिंडल का भी ऑप्शन मिलता है। स्पिंडल्स का वर्क क्या होता है, स्पिंडल से हम अपने बेंच ग्राइंडर को पॉलिशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेफ्टी कवर्स को हटाकर। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड्स के स्पिंडल्स मिलते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट स्पिंडल है एंड जो दूसरा है वो हमारा राइट साइड का स्पिंडल है। सो ये है हमारी बेंच ग्राइंडर मशीन। एंड अब हम आपको आगे दिखाते हैं इस मशीन के कुछ टेस्टिंग एंड डेमो, तरह तरह के टूल्स पे एंड अल्टीमेट बहुत सारी चीज़ों पे ट्राई करके। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। आर यू रेडी? पहली टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हम अपनी ग्राइंडर को ऑन करते हैं। पहले टेस्टिंग में हम आपको दिखाएंगे एक 12 mm का MS का प्लेट दिखाते हैं। और यहाँ पर हम दूसरे डेमो में आपको एंगल दिखाएंगे जिसके ऊपर बहुत हैवी क्वांटिटी में वेल्डिंग की गई है। सो चलते हैं डेमो की ओर। और तीसरे डेमो में हम आपको 18 mm का डाई स्टील को शार्प करके दिखाएंगे। सो देखते हैं डेमो को। यहाँ पर चौथे डेमो में हम आपको लैथ मशीन का टूल्स को ग्राइंड करते हुए दिखाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेमो को। और यहाँ पांचवे डेमो के अंदर हम आपको 20 mm का SS का गोल सरिये को ग्राइंड करते हुए दिखाएंगे और शार्प करेंगे। तो देखते रहिए अपनी स्क्रीन पे। और लास्ट डेमो के अंदर हम अपने कुछ ड्रिल मशीन के हाई स्पीड वाले जो बिट्स होते हैं, उन बिट्स को शार्प करेंगे और ग्राइंड करेंगे। सो देखते रहिएगा एंड हम लोग मिलते हैं वीडियो की लास्ट में।
बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखकर आपको मुझे लग पता है कि बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पर अच्छा लगा तो क्या करना है, नंबर हमें दिया गया है यहाँ पर, इस नंबर पे कॉल करके आपने ये ऑर्डर देना है। एंड हमारे डेमो खत्म हो चुके हैं, हम ऑफ करते हैं अपनी ग्राइंडिंग मशीन को। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।